Welcome, students. Welcome to my lecture number four under Harghar Parsala for class 11th, subject chemistry unit 9th. And the name of the unit is hydrogen. Dear students, the subtopics for today under this chapter hydrogen is first, permanent hardness of butter. Removal of permanent hardness of butter, heavy butter D2O, and use of heavy butter. These are the subtopics for today. Now, let us begin. Let us start our topic: permanent hardness of butter. Permanent hardness of water is due to the presence of soluble salt of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates in water. Permanent hardness cannot be removed by boiling. It can be removed by the following methods. Permanent hardness, it is due to... कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट और इसको बॉइल करके नहीं हम रिमूव कर सकते इसके लिए मैथड जो है फर्स्ट मैथड है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट एन के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सॉल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इन सोल्युबल कार्बोनेट्स ये देखिए एम सी एल टू यानी कि मेटल कैल्शियम भी हो सकता है मैग्नीशियम भी हो सकता है एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडा के साथ इसको ट्रीट किया एम सी ओ थ्री हमें मिल गया और एन ए सी एल एक्वस फॉर्म में हमें मिलेगा अब इसका कॉमन uh, एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं कि एम की जगह कैल्शियम है अगर कैल्शियम क्लोराइड ये एन ए टू सी ओ थ्री वाशिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया और इसने कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाएंगे एन ए सी एल एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन सेकेंड है अगर सल्फेट है हमारे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा एम निकल जाएगा और Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस रूप में एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है अब कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम सल्फेट है तो एन ए टू सी ओ थ्री इसके साथ रिएक्ट करके हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सोल्यूबल पैसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाएगा और एन ए टू फोर आपके सॉल्यूशन uh, में फॉर्म में रहेगा तो ये जो डाउनवर्ड uh, एरो है, इट टेल्स अस दैट दिस पर्टिकुलर केमिकल इज गोइंग टू बी प्रेसिपिटेटेड इन इनसोल्यूबल फॉर्म तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर परमानेंट हार्ड वाटर विद वॉशिंग सोडा इन ऑर्डर टू मेक इट सॉफ्ट नेक्स्ट है calgan's uh, method second method for removing permanent hardness it is calgan method in this process calcium and magnesium ions are rendered effectively by treatment with the sodium polymetasulfate the trade name for it is कैलगन भैन कैलगन इज एडिड टू हार्ड वाटर द कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट इन इट कम्बाइन विद दिस कैलगन टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट अब देखिए ये जो इसमें केमिकल यूज होता है सोडियम पॉलीमेटा फॉस्फेट जिसको जो ट्रेड नेम है इसका कैलगन उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये कैलगन के साथ बना लेता है इन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट अब देखिए कैलगन मेथड में क्या होता है सोडियम हेक्सा मेटा सल्फेट एन ए सिक्स पी सिक्स ओ एटीन कमर्शियली कॉल्ड एट कैलगन भैन एडिड टू हार्ड वाटर द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एन ए सिक्स पी सिक्स ओ एटीन ये बन जाएगा एन ए पॉजिटिव आयन और एन ए फोर पी सिक्स ओ एटीन टू नेगेटिव तो ये टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव बैलेंस हो जाता है फिर एम टू पॉजिटिव कोई भी मेटल आयन है जिसकी बैलेंसी दो होगी कोई भी मेटल आयन जिसकी बैलेंसी दो होगी जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम एन ए फोर पी सिक्स ओ एटीन यहाँ जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था उसके साथ इसका रिएक्शन होगा और हमें एन ए टू एम ये मेटल आयन यहाँ लग जाएगा पी सिक्स ओ एटीन टू नेगेटिव प्लस टू सोडियम दो सोडियम आयन यहाँ दिए दो सोडियम आयन इसने यहाँ दे दिए मैं मे, जो मेटल है ये मैग्नीशियम भी हो सकता है और कैल्शियम तो कालगर मेथड में ये रिएक्शंस होते हैं हमारे द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स इन द सॉल्यूशन अब यहाँ पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में रहेंगे जिससे हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो ये था कालगन मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर नेक्स्ट है फिर हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, थर्ड मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इन दिस मेथड, दिस मेथड इज आल्सो कार्ड जियोलाइट ओब्लिक परमोटिड प्रोसेस इसको जियोलाइट भी बोल देते हैं परमोटिड भी बोल देते हैं इन इसमें हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट ओब्लिक परमोटिड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी सोडियम एल्यूमिनियम सिलीकेट एन ए एल एस आई ओ फोर कैन बी रिटर्न एज एन ए जेड भैन दिस इज एडिड इन हार्ड वाटर एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस अब हमें जो जियोलाइट जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिनको हम सिंप्लिसिटी के लिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को एन ए जेड हम लिख रहे हैं उसके साथ इस एन ए जेड को हार्ड वाटर में हम डालते हैं और एक्सचेंज रिएक्शंस होते हैं जिसको जियोलाइट या परमोटेट हम कहते हैं एन ए जेड प्लस एम टू पॉजिटिव वही कैल्शियम और मैग्नीशियम uh, आयन अगर वहां है तो ये एम जेड टू जेड मीन दिस प्लस टू एन एक्वा सॉल्यूशन में चले जाएंगे जैसे आपको बताया मेटल ये एम कुछ भी हो सकता है मैग्नीशियम भी और कैल्शियम तो इसके साल्ट होते हैं परमोटिट इट इज ए कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक साल्ट इट इज ए मैन मेड जियोलाइट ये जो परमोटिट है ये मैन मेड जियोलाइट होता है या परमोटिट और जियोलाइट इज सेड टू तो बी एक्स ऑजटेड ऑल द सोडियम इन इट इज यूज अप इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाई ट्रीटिंग विद एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इसको हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं तो ये रिएक्शन हमारा आयन एक्सचेंज मेथड में होता है और इसको रीजेनरेट करने का तरीका है एम जेड टू प्लस टू एन ए सी एल एक्वा सोल्यूशन में हमें मिल जाएगा एन ए जेड प्लस एम सी एल टू सोल्यूशन में तो दिस इज आयन एक्सचेंज मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और इस आयन एक्सचेंज मैथड में इन दिस मैथड ए सबस्टांस कार्ड जियोलाइट और परमोटिट इज एडिड दिस जियोलाइट एक्सचेंज इज सोडियम विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फ्रॉम ऑफ हार्ड वाटर एग्जाम्पल परमोटेड आर मैनी लाइक हाइड्रेटेड एलुमिनियम सिलीकेट एन ए टू एल टू एस टू ओ एस आई टू ओ एटीन एक्स एच टू ओ कॉमनली कैन बी इंडिकेटेड एज एन एड जैसा हमने पहले देखा द अपरेटस इज सेट एज सोन ये ऑपरेटस होता है हम यहाँ से सॉफ्ट वाटर अंडर डालते हैं ये सॉफ़्ट वाटर हमने अंदर डाला हुआ है और हार्ड वाटर सॉरी सॉफ्ट वाटर तो निकलेगा हार्ड वाटर यहाँ से हमने इसमें डाला हुआ है और यहाँ पे ग्रेवल डाला हुआ है इस कॉलम में और यहां जियोलाइट है अब ये क्या होता है यहां रिएक्शन होता है सोडियम क्लोराइड हम ऊपर से डालते हैं इन ऑर्डर टू रीजेनरेट द दिस एन एजेड और आउटलेट में हमें सॉफ्ट uh, वाटर मिल रहा होता है तो ये ऑपरेटस है विच इज सेट फॉर आयन एक्सचेंज मेथड फोर्थ है सिंथेटिक रेजीन मैथ रेजींस मैथड Okay, this method is more efficient than zeolite process. Cation exchange resin contain large inorganic molecule with the SO3H group and are water insoluble. Ion exchange resins are 3 h is exchanged by RNA by treating it with NaCl. The resin exchange sodium ion. एंड कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम सोडियम आयन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर टू मेक इट सॉफ्ट वाटर इस मेथड में लार्ज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज करते हैं हम एस ओ थ्री एच जो कि रेजिन के रूप में आर एस ओ थ्री एच विच इज एक्सचेंज बाई आर एन ए एस ओ थ्री एच इज एक्सचेंज बाई एन ए और इसको ट्रीट करते हैं हम एन ए सी एल से तो ये आर एन ए में एक्सचेंज uh, हो जाता है द रेजीन एक्सचेंज सोडियम आयन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अब ये रेजिन क्या करती है सोडियम आयन को कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिप्लेस कर देती है जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड अब देखिए इसमें इस ऑपरेटस में, इस में क्या होता है कि यहां से इनलेट से हमने हार्ड वाटर डाला एसिड रेजिन और बेस रेज एक्सचेंज रेजिन कोई भी एसिड और बेसिस दो तरह की होती हैं अभी हम पढ़ेंगे उसको हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर रीजनरेटिंग एसिड रेजीन रेजी अगर हमने एसिड रेजीन डाली तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम यहाँ से डालेंगे इन ऑर्डर टू से वॉशिंग होती है इसकी और फिर वाटर फ्री फ्रॉम केटाइन यहाँ से जो पानी है बिना केटाइन के अब स्ट्रॉन्ग बेस फॉर रीजनरेटिंग बेसिक रेजिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं टू इन ऑर्डर टू रीजनरेट बेसिक रेजीन और बेसिक रेजी और एसिड एक्सचेंज रेजी यहाँ पे होती है फिर डी वाटर फ्री फ्रॉम आल केटाइन कम्स आउट फ्रॉम दिस टाइप तो दिस इज द अपरेटस फॉर रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाई सिंथेटिक रेजिन मेथड्स। अब देखो इसमें होता क्या है आ, ये आर एन ए है ये एम टू पॉजिटिव जो मेटल आयन है उसके साथ रिएक्ट करके आर टू एम बना देता है और टू एन ए पॉजिटिव एक्स सोल्यूशन में हमें मिल जाते हैं और ये हमें मैग्नीशियम हो सकता है कैल्शियम हो सकता है आर इज रेजीन एनायन ये आर रेजीन का एनायन है और केटायन इससे निकल गया आर एन ए एस ओ थ्री एच ने एन ए को रिप्लेस कर दिया है द रेजीन कैन बी री रीजनरेटेड बाई एडिंग एक्वस एन ए सी एल सोल्यूशन इसमें हम एक्वस एन ए सी एल सोल्यूशन डालते हैं जिससे रेजीन द्वारा रीजनरेट हो जाती है तो यह है सिंथेटिक रेजिन मेथड के लिए केमिकल इक्वेशन सिंथेटिक रेजिन मेथड मेथड्स आर मोर सुपीरियर देन द आयन एक्सचेंज मैथ सिंथेटिक रेजिन मेथड्स आर मोर सुपीरियर देन द आयन एक्सचेंज मेथड एज दे रिमूव ऑल टाइप ऑफ केटायंस एंड एनायंस एंड द रिजल्टेंट वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर ओके सिंथेटिक रेजीन मेथड सबसे सुपीरियर मेथड है दीज रेजी आर जनरली ऑफ टू टाइप्स ये जो रेजींस है हमारी जो हमने पीछे मैकेनिज्म पढ़ा ये दो तरह की होती हैं वन इज केटायन एक्सचेंज रेजीन एंड सेकेंड इज एनायन एक्सचेंज रेजीन फर्स्ट है इसमें केटायन एक्सचेंज रेजीन सेकेंड एनायन एक्सचेंज रेजीन केटाइन एक्सचेंज रेजीन इट कंसिस्ट ऑफ जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क अटैच टू बेसिक ग्रुप दे आर रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फार्मूला आर सी ओ एच और आर एस ओ थ्री एच इन दिस आर इज ए जेंट हाइड्रोकार्बन दीज रेजीन कैन एक्सचेंज एच पॉजिटिव आयन विद केटायन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर केटाइन एक्सचेंज में ये जो आर है इट इज़ ए जेंट मॉलिक्यूल लंबा ये कार्बन चेन होती है और एच जो हाइड्रोजन है इसको वो एक्सचेंज कर देते हैं विद द केटायन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर उससे वो रिमूव हो जाता है यानी आर सी ओ ओ एम लग जाता है यहाँ पे या आर सी ओ ओ ट्वाइस एम लग जाएगा अगर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर टू है अब किटाइन एक्सचेंज रेजिन में जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ ओ एच ये आर सी ओ एच जो ऊपर हमने बताया ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आर जेंट मोलिक्यूल है जिसमें और आर सी ओ ओ ट्वाइस सी ए ट्वाइस सी ए हो जाएगा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा प्लस टू एच पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन हमें सॉरी हाइड प्रोटोन uh, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन हमें मिल जाएगा ये एच के रूप में भी हमें मिल सकता है तो ये कैटाइन एक्सचेंज रेजीन का इस तरह से रिएक्शन होता है लेट अस मूव फर्दर अब है हमारे पास एनायन एक्सचेंज रेजीन इट कंसिस्ट ऑफ जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क अटैच्ड टू बेसिक ग्रुप लाइक ओ

प्रेजेंट इन हार्ड वाटर अब एनायन एक्सचेंज रेजीन में इस तरह का जेंट मॉलिक्यूल होता है आर एन एच टू ओ एच जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव लगता है आर एक जेंट मॉलिक्यूल होता है इसमें और हाइड्रोक्सल आयन इसमें लगा होता है तो ये ओ एच रिप्लेस करता है क्लोराइड आयन इसको और ये रिएक्शन यहाँ पे है इस तरह से ये हमारे पास आर एन एच थ्री ओ एच इसने सल्फेट आयन के साथ या क्लोराइड आयन के साथ यहाँ सल्फेट आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो आर एन एच थ्री ट्वाइस एस ओ फोर यानी कि सल्फेट का डेरिवेटिव ये मिल गया और दो तो हाइड्रॉक्सल आयन बाहर निकल गए अब ये हाइड्रॉक्सल आयन H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके हमें वाटर बाहर दे देंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करके वाटर हमें दे देंगे तो दिस मेथड इज़ एनायन एक्सचेंज रेजीन मैथड जिससे हम आ, अपने परमानेंट हार्ड जो वाटर है उसको सॉफ्ट करते हैं हम आगे है दस द वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द टैंक इज रीचर इन हाइड्रोजन आयन दिस वाटर इज देन पासड थ्रू सेकेंड टैंक हेयर द एनायन आर एक्सचेंजेस विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म डिस्टेल्ड वाटर जो हमें मिला नाउ परमानेंट हार्डनेस में वर्किंग ऑफ दीज रेजींस अब इसमें हम इन रेजीन की वर्किंग देखेंगे फर्स्ट है देखे जैसे ये आर सी ओ ओ एच है ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और इसने आर सी ओ ओ ट सी ए प्लस टू एच पॉजिटिव दिया और टू सी एल नेगेटिव दिया ये दिस इज uh, केटाइन एक्सचेंज रेजीन क्या है ये केटायन एक्सचेंज रेजिन आर सी ओ एच ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कैल्शियम क्लोराइड है हमें ये हमें फ्रॉम हार्ड वाटर मिला अब इसने दो, दो रिएक्शन हुआ और ये एग्जॉस्टेड रेजिन यानी कि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे कैल्शियम के साथ जुड़ करके ये एग्जॉस्टेड रेजिन बन गई और टू हाइड्रोजन आयन हमें मिल गए और दो क्लोराइड आयन हमें मिल गए फिर ये हमारे पास आर सी ओ ओ एच मैग्नीशियम सल्फेट के साथ इसने रिएक्स करके आर सी ओ एम जी पॉजिटिव एम जी प्लस टू एच पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव अब ये हमारे पास केटायन एक्सचेंज रेजिन है जैसे हमने ऊपर पढ़ा और ये मैग्नीशियम सल्फेट ये फ्रॉम वाटर आया हमें फ्रॉम हार्ड वाटर ये हमें मिला और ये हमारे पास एग्जॉस्टिड रेजिन हमें मिल गई और हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन हमें मिल गए अब रीजनरेशन ऑफ रेजींस कैसे होता है रीजनरेशन ऑफ रेजीन अब ये जो एग्जॉस्टिड रेजीन है ये हम यहाँ लेते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास आर सी ओ एच पॉजिटिव एच प्लस एच ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव प्लस सी एस एल टू हमें मिल जाता है ये एग्जॉस्टिड रेजिन है ये सोडियम क्लोराइड हमने डाला इन ऑर्डर टू रीजनरेट द रेजिन और है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा उस जेंट मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और कैल्शियम क्लोराइड सोडियम एच पॉजिटिव जहां वाटर से एक्वा सोल्यूशन के वाटर से हमें मिला वहां ओ OH के साथ मिलकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीज रेजीन और ये रेजीन हमें रीजनरेट द्वारा रीजनरेट हो जाती है तो दिस इज फोर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर लेटस मूव फर्दर हैबी वाटर डी टू ओ डी टू ओ यानी कि हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम उसके साथ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज नोन एज है्बी वाटर हैबी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेरोल्ड सीरे इन यूएसए इन 1932 ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स 0 पॉइंट 0.1666 वन सिक्स 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 परसेंट ऑफ हैवी वाटर दैट इज वन पार्ट ऑफ डी टू ओ इन सिक्स थाउजेंड पार्ट ऑफ एच टू ओ हजार वाटर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल डी टू ओ का होगा ओके तो इट्स फॉर्मूला इज डी टू ओ इन दिस द आइसोटोप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इज बींग यूज प्रेपरेशन इट इज प्रिपेयर बाई प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड अल्ट्रा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी और फिर अल्ट्रा फ्रैक्श फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी तब हमें डी टू ओ हैवी वाटर मिलेगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डी टू ओ इज लोअर दैन दैट ऑफ एच टू ओ देर फोर आयनिक कंपाउंड आर लेस सोल इन डी टू ओ दैन एच टू ओ तो एच टू ओ की सोलिबलिटी आयनिक कंपाउंड में ज्यादा है आयन कंपाउंड के लिए ज्यादा है और डी टू ओ की सोलिबिलिटी कम है तो हैवी वाटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्ट लेस लिक्विड इट इज हैवियर देन वाटर पानी से ये भारी है बिकॉज जो आइसोटोप है दूसरा ड्यूटेरियम इट इज हैवी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी टू ओ यानी कि हैवी वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस डी टू ओ गिवस डी टू एंड ओ टू हैब्बी वाटर गिव्स ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिज ऑफ हैब्बी वाटर नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स सोडियम रिएक्ट्स विद हैवी वाटर दिस इज एल्कली मेटल गिविंग यू एन ए डी हाइड्रोक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम विद सोडियम एंड डी टू ओ यानी कि हैवी हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम वो हमें मिलता है थर्ड है रिएक्शन विद मेटालिकसाइड्स मेटालिक ऑक्साइड्स मीन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डी टू ओ ड्यूटेरियम ऑक्साइड गिविंग यू एन ए डी ये दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ डी हमें मिल जाएंगे तो ये रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे पी टू ओ फाइव फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ डी टू ओ का रिएक्शन हुआ तो हमें डी टू पी ओ फोर मिलता है तो ये रिएक्शन है डी टू ओ का फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ नेक्स्ट है फिफ्थ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स दैट इज सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद डी टू ओ हैबी बटर के साथ सी टू डी टू कैल्शियम हाइड्राइड प्लस सी ए ओ डी ट्वाइस कैल्शियम का ड्यूटेरियम के साथ हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैबी बटर डी टू ओ नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ हैबी वाटर डी टू फर्स्ट है एज ए मॉडरेटर इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स सिंस इट स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड दस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन वाटर क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है इसलिए इसको हैबी कहते हैं तो इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये स्लो कर देता है तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन हैं उनमें में डी टू ओ को एज़ मोटरेटर हम यूज़ करते हैं ताकि जो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सके फर्स्ट ये इसका यूज है सेकंड है एज ए ट्रेस कंपाउंड फॉर स्टडिंग द मैकानिजम ऑफ मैनी रिएक्शंस इस डी टू ओ को यूज किया जाता है अलग अलग तरह के रिएक्शन के मैकानिज्म को स्टडी करने के लिए बाई बाई द स्पीड ऑफ द रिएक्शन थर्ड है डाईड्यूटेरियम इज प्रोड्यूस्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैबी वाटर और बाई इट्स डम्पोजिशन विद सोडियम मेटल अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ डायड्यूटेरियम को प्रोड्यूस करते हैं ही वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के और इसकी डिकम्पोजिशन कर, कर, करवाते हैं हम हैबी वाटर की सोडियम मेटल के साथ तब हमें डायड्यूटेरियम मिलता है तो दीज आर दूजिज ऑफ हैवी वाटर Thank you. Thank you being with me.